मोहन जी, भाजी अजीत भैया, आप सब आइए हमारे साथ। जैसा और मेरा रूम किधर है? गुनगुन बेटा, यहां तो सिर्फ एक ही कमरा है। फिर मैं सोऊंगी कहां? गुनगुन, आप बहुत परेशान होती थी ना कि आप किसके साथ सोएंगी? हमारे साथ, दादी के साथ या बुआ के साथ? तो यहाँ ना आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम सब साथ में सोएंगे। भाई वाह, ये तो अच्छा हो गया ना गुनगुन, अब हम रात को गुनगुन को कहानियां भी सुना सकते हैं, नहीं? और गुनगुन के बालों में हम अच्छे से तेज जंप भी कर सकते हैं। और अगर बीच रात को दादी के साथ सोने का मन करे तो छलांग लगाकर दादी को कस के पकड़ लियो, नहीं? हाँ, कितना मजा आएगा। हमने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया ना, हम एक साथ सोएंगे। एक साथ खाएंगे, एक साथ टीवी देखेंगे, सब कुछ जो है ना उनको वो एक साथ करेंगे। कितना मजा आएगा, नहीं? वाओ, ये तो फुल टाइम फैमिली पिकनिक हो गई, कितना मजा आएगा ना। फैमिली पिकनिक ही तो है। पिकनिक? पिकनिक नहीं, जेल है ये। गॉड, कहाँ पे फंस गया मैं? ना जाने और क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे यहाँ पे। अब आगे क्या करने वाली हो? बहुत शान से सीना चौड़ा करके गए हैं ना ये त्रिवेदी, यहां से कि साथ है तो जीत जाएंगे। जब इस परिवार के एक एक मेंबर पर मुसीबत आएगी ना, तब इनके होश ठिकाने आएंगे। और सबसे पहले हम उस परिवार की सबसे कमजोर कड़ी पर वार करेंगे। और हमारा पहला शिकार होगा राहुल, क्योंकि सबसे पहले
यही टूटेगा। और फिर त्रिवेदी इसके पास ये गिफ्ट भी तो पहुंचाना है, क्यों? एक करके हम त्रिवेदी परिवार के हर एक मेंबर को टारगेट करेंगे। और सबसे पहले राहुल। और उसके बाद नंबर है मम्मा की फेवरेट कुत्तों की बारी। दादी। राधा बेटा। जी बाबा। आज जैसे तैसे संभाल लो, कल राशन वाला बनिया हमको पूरा राशन दे जाएगा। जी बाबा, आप परेशान मत होइए। अरे बिटिया, तू ये खाली त्रिवेदियों की ही बैंड बजाएगी या वो ढाई फुट चुड़ैल के परिवार के बारे में भी कुछ सोचेगी? त्रिवेदी इसको सहारा देकर, इनफैक्ट उस राधा को पैदा करके उस बुढ़े पंडित ने तो बहुत गलत किया है, तो इस आग में उसके हाथ भी तो जलेंगे। क्यों?
फिर केतकी अजीत और लास्ट में इस घर की जान शान उनकी दुखती रख गुनगुन। अरे यार ये गद्दा कितना पतला है। अरे तो इसमें दिक्कत वाली बात कौन सी है, अभी इस गद्दे को डबल कर लेता हूँ। ये लो आ जाओ। मेरे दिल को सबसे ज्यादा खुशी तो तब होगी जब मैं इसे मारूंगी। भैया ना सही? नहीं, गद्दा मोटा तो ये है। ये गद्दा मोटा नहीं होगा तो फिर कौन सा गद्दा होगा? बिल्कुल झूठ गुनगुन, बिल्कुल झूठ। इन दोनों से मोटा गद्दा ये वाला है, इधर आ मेरे ऊपर। तो ये है त्रिवेदी इसको बर्बाद करने का मेरा फूल प्रूफ प्लान। कैसा लगा? प्लान तो तुम्हारा बढ़िया है, लेकिन तुम राधा और मोहन को कुछ नहीं करोगे? वही तो हमारे असली दुश्मन है। करूंगी ना, बल्कि सबसे बुरा तो इन दोनों के साथ होगा। जब ये पल पल अपने ही परिवार को टूटते हुए देखेंगे ना, तो ये बार बार तड़पेंगे। ये परिवार जो इनकी ताकत है, इनकी कमजोरी बन जाएगा। और फिर ये राधा मोहन टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। कि देख रही है ना आप तुलसी जी, सब साथ है तो कितने खुश हैं। बिल्कुल सही कह रहा था, खुशियां पैसों से नहीं आती है बल्कि परिवार से आती है। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और परिवार का साथ एक तरफ। माँ, सासु माँ। माँ जी? माँ? ठीक तो ना माँ? माँ? माँ जी क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? माँ क्या हुआ? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हम ठीक। तुम्हारी माँ जिन्हें नर्म बिस्तर पर सोने की आदत है, जिनकी महीने की हजारों की दवाइयां आती है, क्या वो गरीबी में जी पाएगी? क्या वो जमीन पर सो पाएंगी? बिना अपने आर्थराइटिस, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवाइयों के जिंदा कैसे रह पाएगी बेचारी? रो रही हो? तुम
नहीं। झूठी बोलना है तो प्याज काट लेती। मोहन जी, माँ जी के घुटने के दर्द की वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पा रही है। हमारी वजह से जमीन पे सोना पड़ रहा है उन्हें। मोहन जी, हम सब साथ मिलके गुनगुन को समझा सकते हैं, हंसा सकते हैं। और ये बात भी तो सच है ना कि सबको तकलीफ हो रही है। हमारी वजह से कहां से कहां आ गए आप लोग। सही बोल रहे हो तुम। ये सब जो है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तो मेरी जिंदगी में आती, ना हमारी शादी होती। मेरी शादी दामनी से हो जाती, वो तवे में तलकर मुझे खा भी जाते हैं। मोहन जी। राधा जी, सही तो कह रही है ना आप। तकलीफ तो हो रही है सबको, पर सच बताए ना तो सब खुश भी बहुत है। तुमने हमारी हमारी सबकी जिंदगी में जो प्यार की दौलत भर दी है ना, अरे उसके सामने दुनिया की दौलत सब फीकी है। मोहन कभी राधा के खिलाफ हो ही नहीं सकता। नकल था ना आज है, नकल होगा। मेरे दिल की धड़कन मोहब्बत है तेरी, बहुत आज मुझको जरूरत है तेरी। तुझे बिन होता नहीं मेरा गुजारा, चाहिए आराम मुझे तेरा सहारा। मेरी हो कसम मैं माना हूँ तेरा, खुद से भी बहुत मैं ज्यादा हूँ तेरी, ज्यादा हूँ तेरी। राधा ना, तेरी दौलत है वो, मेरे जीने की वजह है वो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार को तकलीफ नहीं उठाने दूंगा। मुझे लड़ना होगा, जो मेरा है उसे वापस हासिल करना होगा। दामनी को उसी के खेल में हराना होगा
चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, हम अपने परिवार को कष्ट उठाने नहीं देंगे। जैसा जीवन हमने पहले जिया था उसे दोबारा शुरू करेंगे, अपने परिवार को संभाल लेंगे। परिवार का ख्याल रखेंगे।